नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने आप को ट्रेंड के अनुसार बदला था और बताया था लोगों को क्यों बदलना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सेल बताया तो वो स्टॉक सेल में जाएगा। मैंने तुरंत ही आपको कल ही परसों के रोज़ इसमें मैंने बाई का मैंने कॉल दी थी कि अब ये यस बैंक इसमें बाई जनरेट हो चुका है और यस बाइंग जनरेट होने के पश्चात इसने स्टॉप लॉस बताया था और इसके टारगेट बताया था मैंने 240-245। तो ऑलरेडी इसने 245 टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, 245 का टारगेट आपको दे दिया है और ये बताया था 245 के ऊपर अगर ये निकलता है और सस्टेन होता है तो बहुत तेज गति से आपको 255 के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है यस बैंक। तो दोस्तों, ये है कि स्मार्ट ट्रेडर और जो नए नए ट्रेडर आते हैं उनमें क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है कि अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पर चेंज करना जरूरी है। मैंने आपको चेंज करके बताया था, 241 से सेल करके बताया था, 229 तक आया था, वापस बाय करके बताया कि यहां पर इसने ट्रेंड बदल लिया है और ये बाय में चला गया है वापस और 228.30 का स्टॉप लॉस रखिएगा और ऊपर ये 245-45 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। इसने 245 का टारगेट यहाँ पे दिखा दिया है, लेकिन 245 का टारगेट दिखाने के पश्चात भी अगर 245 के ऊपर निकलता है ये और सस्टेन होता है तो ये आपको 255 बहुत ही तेज गति से टारगेट दिखा सकता है, लेकिन सस्टेन होना जरूरी है। तो अपना यहाँ पे टारगेट, दोनों टारगेट कंप्लीट होता हुआ। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ वीडियो करता हूँ एंड और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, लाइक तो एक बनता है, लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए यस बैंक की ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज होने के बारे में यस बैंक की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।